टिकुलर टॉपिक ऑन एच आर एम मॉडल्स तो आज के इस पूरे सेशन में हम एच मॉडल्स के जितने भी तरह के डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल्स हैं उनके बारे में डिटेल में बात करेंगे काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफी बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है तो इसके बारे में अब शुरू करते हैं सो लेट इस बिगिन नाउ So, सबसे पहले बात होता है कि एच आर होते क्या हैं और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है इसके बारे में पहले बात कर लेते हैं so, an Ab, क्या है कि एच आर एम में बहुत सारे फंक्शन हैं देर आर सो मेनी फंक्शन इन एच आर एम राइट फ्रॉम प्लानिंग टू रिक्रूटमेंट टू सिलेक्शन एंड यू नीड अ फ्रेमवर्क आपको कहीं ना कहीं उन फंक्शन को बाइंड करने के लिए आपको एक फ्रेमवर्क की रिक्वायरमेंट है एक मॉडल की रिक्वायरमेंट है जो उस फंक्शन को एक साथ एक सिस्टम का पार्ट बना दे एंड दैट इज द रीजन why एच models are मॉडल्स आर इंपॉर्टेंट as एज heuristic डिवाइस ह्यूरिस्टिक मतलब होता है शॉर्टकट किसी भी चीज के शॉर्टकट को कहते हैं। तो 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 दिस सर्व एज अस्टिक डिवाइस दट हेल्प अस टू डिस्कवर एंड अंडरस्टैंड द वर्ल्ड ऑफ एक्सप्लेनिंग द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ की एच आर जैसा मैंने आपको जस्ट बताया कि एचआर के बहुत सारे प्रैक्टिस होते हैं तो एक ऑब्जेक्टिव तो ऑब्वियसली मेरा क्या है एक फ्रेमवर्क बनाना दूसरी चीज मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि यह भी जानना बहुत जरूरी है कि कौन सी प्रैक्टिस ज्यादा सिग्निफिकेंट हैं और कौन सी प्रैक्टिस लेस सिग्निफिकेंट हैं यह भी आपको एचआरएम मॉडल के फ्रेमवर्क से पता चल जाता है तो डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स ने डिफरेंट डिफरेंट एच आर को ज्यादा वेटेज दी तो अब उसके बारे में बात करते हैं कि कितने तरह के मॉडल्स होते हैं सो बेसिकली वी हैव

कि सबसे पहली चीज अगर हम एचआरएम के फंक्शन को पढ़ते हैं हमें पता है कि एचआरएम फंक्शन हमेशा प्लानिंग से शुरू होता है लेकिन ये वाला जो मॉडल है वो कहां से शुरू हो रहा है वो सिलेक्शन से शुरू हो रहा है मतलब आपने सबसे पहले सिलेक्शन करनी है लोगों को इसके बाकी के फंक्शन को उसने कहीं ना कहीं इस मॉडल के अंदर इंटीग्रेट नहीं किया है लेकिन यहां पर एक चीज और इंपॉर्टेंट क्या है कि उसने एचआरडी को इंक्लूड कर दिया है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इज ऑलरेडी देर एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में बहुत सारे फंक्शन ऑटोमेटिकली कवर हो जाते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल कैरियर प्लानिंग कैरियर डेवलपमेंट ये सारी चीजें एचआरडी में ऑलरेडी कवर हो जाती हैं तो यहां पर आप इस मॉडल में देख सकते हैं तो इट विल स्टार्ट फ्रॉम अ सिलेक्शन सिलेक्शन के बाद आप इंप्लॉइज को अप्रेज करते हो अप्रेजल के बेसिस पे आप उनको रिवॉर्ड देते हो एचआरडी के थ्रू आप उनको कैरियर एडवांसमेंट कराने में हेल्प करते हो और फाइनली उस चीज से क्या होता है तो ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस बढ़ती है तो अगर आप इसमें ध्यान से देखें यहाँ पे क्या हो रहा है एचआर के चार फंक्शन आपने यूज किए हैं सिलेक्शन एच आर अप्रेजल और रिवॉर्ड और उससे आपने उसका रिलेशनशिप दिखाया है विद द ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस तो इट इज वन ऑफ द फर्स्ट मॉडल ऑफ एच आर एम विच फोकस्ड ऑन एच आर एम फंक्शन एंड जो इसमें चार फंक्शंस मेनली यूज हुए थे जिसको उन्होंने इंटरकनेक्ट करके दिखाया वो था सिलेक्शन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट रिवॉर्ड और अप्रेजल उसको एक इंटरकनेक्टिविटी से उन्होंने एक रिलेशनशिप दिखाया कि ऑल दीज वेरिएबल फाइनली इफेक्ट ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस देन मॉडल वॉज टू सिंपल जो सबसे बड़ा इसकी प्रॉब्लम ये थी कि मॉडल बहुत ही सिंपल है प्लस हाउवर एट द सेम टाइम बहुत सारे फैक्टर्स को कंसिडर भी नहीं किया गया जैसे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स कंसिडर नहीं हुए हैं ट्रेनिंग कंसिडर नहीं हुआ है प्लस एट द सेम टाइम आप देखें कि आपको मैंने बताया अभी नहीं हुआ है तो बहुत सारे फंक्शन भी हैं जो यहाँ पर मिसिंग है प्लस इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को या सिचुएशन फैक्टर को तो उन्होंने ही एंड इट हैज ओनली फोर तो वी ऑन दिस मॉडल बिकॉज इट इज नॉट अ अम्प्रीहेंसिव मॉडल सो दिस इज द फर्स्ट मॉडल एंड एंडस कॉल्ड मॉडल लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड वन एंड ब्रून कॉल्ड हार्वर्ड मॉडल अब हार्वर्ड मॉडल में छह कंपोनेंट्स हैं so, सबसे पहले इसमें आ गया स्टेक होल्डर का इंटरेस्ट देन यू हैव ह्यूमन रिसोर्स के सारे कंपोनेंट्स आ गए जो एच के हमारे मेन कंपोनेंट्स होते हैं फिर कुछ सिचुएशनल फैक्टर्स आ गए जो फोमब्रिन मॉडल में नहीं प्रेजेंट थे वो यहां आ गया ऑब्वियसली एंड देन यू हैव सर्टेन एच आउटकम्स पहले एच के कुछ आउटकम्स आते हैं और फाइनली फिर लॉन्ग टर्म आउटकम्स आते हैं तो ऐसा करते हैं मैं आपको ये मॉडल समझा देता हूं कि एक्जैक्टली ये मॉडल कैसे काम करता है पहले आप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट वाले पार्ट से समझ लें ये बड़ा सिंपल सा पार्ट है आप एज एन एच department ya yeah, as an hr into an organization you implement different policies

यूनियंस हैं शेयर होल्डर्स हैं इन सभी लोगों का इन्फ्लुएंस आपके एचआर प्रैक्टिसेस पे पड़ता है तो हावर्ड मॉडल काफी कॉम्प्रिहेंसिव मॉडल था क्योंकि एक तो सिर्फ इसमें एचआर के फंक्शंस को कंसिडर नहीं किया गया है बल्कि आप इसमें इन्वायरमेंटल फैक्टर और सिचुएशनल फैक्टर्स को भी आप यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं अब स्टेक होल्डर इंटरेस्ट की अगर हम बात करें मैंने आपको जस्ट बताया कि हम एक भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आइसोलेशन में काम नहीं करती दे आर सराउंडेड बाई डिफरेंट पार्टीज हु आर पार्टीजरेक्टली इफेक्टेड बाई एक्टिविटी करती है तो उसका इफेक्ट इन लोगों पर डेफिनेटली पड़ता है शेयर होल्डर हो गए यूनियन हो गए तो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि वो अपने प्रॉफिट और अपने शेयर होल्डर या स्टेक होल्डर के बीच का एक बैलेंस बनाए मतलब सिर्फ प्रॉफिट इंपॉर्टेंट नहीं है ऐसा ना हो कि आप प्रॉफिट बनाने में इतना बिजी हो जाए कि आप कम्युनिटी का नुकसान कर दें आप सोशल वेलफेयर ना करे तो एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन वो होती है जो कि बैलेंस करती है वो अपने प्रॉफिट भी बनाती है एट द सेम टाइम वो कई ऐसे सीएसआर एक्टिविटीज या कई ऐसे सोसाइटल इनिशियटिव लेती है जिससे कंपनी को लॉन्ग टर्म में फायदा होता है तो पहली दो बातें यहां पर क्या इंपॉर्टेंट है फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन आइसोलेशन में काम नहीं करती और सेकेंड शेयर होल्डर का इंटरेस्ट या स्टेक होल्डर का इंटरेस्ट बिजनेस के एक्टिविटीज को इन्फ्लुएंस करता है अब सिचुएशनल फैक्टर्स के बारे में बात करते हैं सिचुएशनल फैक्टर में क्या क्या चीजें मेन आ जाती हैं एक तो टेक्नोलॉजी आ जाता है ऑब्वियसली बिकॉज टेक्नोलॉजी के चेंज होते ही सारी गेम चेंज हो जाती है सेकेंड चीज गवर्नमेंट के रेगुलेशन आ जाते हैं गवर्नमेंट जैसे जैसे रेगुलेशन चेंज करती है आपको अपने बिजनेस का फॉर्मेट चेंज करना पड़ता है और जैसे जैसे बिजनेस का फॉर्मेट आप चेंज करते हो उस हिसाब से आपकी एचआर की पॉलिसीज भी इन्फ्लुएंस हो जाती है थर्ड लेबर मार्केट लेबर मार्केट का यहां पे ये यह मतलब है कि एक इंडस्ट्री के अंदर डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज एग्जिस्ट करती है और वो सभी कंपनीज में कहीं ना कहीं एम्प्लॉय शेयर होते हैं दे आर पार्ट ऑफ द सेम लेबर मार्केट और आप लेबर मार्केट को इग्नोर नहीं कर सकते अगर आपने लेबर मार्केट के हिसाब से सैलरी नहीं दी तो लोग आपकी कंपनी को छोड़कर किसी और कंपनी में चले जाएंगे प्लस एक और चीज जो आपको इन्फ्लुएंस करती है दैट इज योर यूनियन तो यूनियन या ट्रेड यूनियंस भी आपके ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करती है क्योंकि उनको भी ध्यान में रख के आपको एचआर की पॉलिसीज बनानी पड़ती हैं पॉलिसी एरियाज आपके पास क्या क्या हैं तो सबसे पहली चीज जो है वो ऑब्वियसली आपका ह्यूमन रिसोर्स में मेन जो फंक्शंस होते हैं रिक्रूटमेंट सिलेक्शन ट्रेनिंग प्रमोशन रिटायरमेंट टर्मिनेशन तो आपके जो एचआर डिपार्टमेंट को ये सारे फंक्शंस परफॉर्म करने हैं सबसे पहले देन यू नीड टू डिजाइन ट्रांसपेरेंट रिवॉर्ड सिस्टम दैट शुड मोटिवेट इम्प्लॉज जिसमें कि आप सिर्फ पे नहीं देंगे आप उनको इंसेंटिव भी देंगे आप उनको बोनस भी देंगे यू यू विल विल कंपनी आज के डेट में आपको शेयर्स देती है आपको आपके शेयर्स पे डिविडेंड देती है तो इस तरह की काफी सारी चीजें आपको इंक्लूड करनी पड़ेगी एज अ रिवॉर्ड सिस्टम जो तीसरी चीज एज एन एच आर डिपार्टमेंट आपको करनी पड़ेगी दैट मीनस एम्प्लॉय मस्ट गेट सम लेवल ऑफ अथॉरिटी एसोसिएटेड विद काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी तो एम्प्लॉयज को सिर्फ अगर आप सैलरी देंगे तो वो उससे मोटिवेटेड नहीं होते उनको एट द सेम टाइम आपको कुछ अथॉरिटी भी देनी पड़ेगी कुछ पावर भी देने पड़ेंगे सो दैट की दे शुड फील अकाउंटेबल एज वेल एज रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग सर्टेन जॉब्स उससे उनका मोटिवेशन और ज्यादा बढ़ता है एंड देन फाइनली वॉट यू नीड यू नीड अ वर्क सिस्टम यू नीड अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू इंटीग्रेट ऑल दीज आपको इंटीग्रेशन भी करनी है कि रिक्रूटमेंट से कैसे सिलेक्शन होगा सिलेक्शन के बाद कैसे ट्रेनिंग होगी ट्रेनिंग के बाद कैसे अप्रेजल होगा और इसके बीच में भी आपको क्या क्या चीजें करनी है वो सारे स्टेप्स का एक फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस एंड इट वर्क लाइक अ सिस्टम सिस्टम की तरह काम करता है एक भी कंपोनेंट अगर आगे पीछे हो गया तो इट विल नॉट बी वर्किंग तो ये कैसे काम करता है अब उसके बारे में बात कर लेते हैं मैंने आपको पहले भी बताया कि एक साइड पर आपके एचआर के सारे फंक्शन गए और उन चारों फंक्शन का दो तरह का इन्फ्लुएंस पड़ता है एक शॉर्ट टर्म इन्फ्लुएंस पड़ता है एक लॉन्ग टर्म इन्फ्लुएंस पड़ता है शॉर्ट टर्म इन्फ्लुएंस सीधा एचआर से रिलेटेड कंपोनेंट्स पे पड़ता है एचआर रिलेटेड कंपोनेंट मतलब आपके इंप्लाइज का कॉम्पिटेंस बढ़ता है उनकी एबिलिटीज बढ़ जाती हैं अगर वो मोटिवेटेड हैं और ट्रेनिंग ले रहे हैं उनका कंग्रुएंस बढ़ता है मतलब उनका टीम वर्क बढ़ जाता है कहीं ना कहीं उनकी कॉस्ट इफेक्टिवनेस मतलब अगर आपने स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को चलाया है तो आप बहुत जगह पे कॉस्ट को सेव करने में भी कामयाब हो जाएंगे अपने टेक्नोलॉजी के यूसेज की, की वजह से या आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट प्रोसेस की वजह से प्लस उनका कमिटमेंट लेवल भी बहुत ज्यादा बढ़ता है तो इस तरह से ये शॉर्ट टर्म हो गए ऑन द अदर साइड जब ये सारी चीजें हो जाएंगी शॉर्ट टर्म लेवल पे तो लॉन्ग टर्म में क्या होगा उनका इंडिविजुअल वेलबींग बढ़ेगा मतलब उनका हेल्थ अच्छा रहेगा वो स्ट्रेस फ्री रहेंगे और उतना मेंटली एजाइल होकर आपके लिए काम करेंगे ऑन द अदर साइड उनकी सोसाइटी वेलबींग बढ़ेगी वो सोशल वेलफेयर में पार्टिसिपेट कर पाएंगे और एक सोसाइटी का डेवलपमेंट होगा ना कि सिर्फ आपकी ऑर्गेनाइजेशन का प्लस ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस तो बढ़ेगी बढ़ेगी बिकॉज दैट इज वॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी फंक्शन मैनेजमेंट इज इसके बाद जो हमारे पास तीसरा मॉडल है, कैसे काम करता है? और ने मिलकर के इस मॉडल को बनाया था यूनिवर्सिटी ऑफ वॉर्विक में इन 1990s नाइनटीज तो यूनिवर्सिटी ऑफ वॉर्विक के नाम पे वॉर्विक मॉडल बनाया गया एंड इट वॉज डेवलप्ड फ्रॉम हार्वर्ड मॉडल तो हार्वर्ड मॉडल को ही एज अ बेस लेकर के आपने इस मॉडल को डेवलप किया था सो दैट यू कैन रिप्रेजेंट द एनालिटिकल अप्रोच ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक एक एनालिटिकल अप्रोच अप्रोच या उसकी एक strategic approach को आप इस मॉडल के थ्रू बताना चाहते थे अब ये मॉडल कैसे काम करता है उसके बारे में बात कर लेते हैं अगेन ऑन वन साइड यू हैव ऑल द फंक्शन अब अगर आप एचआर फंक्शन देखेंगे वो ऑलमोस्ट कॉमन है विथ हार्वर्ड मॉडल जो हार्वर्ड का मॉडल था दैट वॉज वर्क सिस्टम रिवॉर्ड सिस्टम इंप्लॉइज इंफ्लुएंस फ्लो ऑफ वर्क ये सारी चीजें आपने यहां भी कंसिडर की है तो वहां से आपने जो एचआर के सारे फंक्शन थे उसको आपने यहां पर इस मॉडल में लिया हुआ है देन इस साइड वाले अगर कंपोनेंट पर आप आते हैं तो यहां आपको सारे सिचुएशनल फैक्टर्स देखने को मिलते हैं सिचुएशनल फैक्टर मतलब टेक्नोलॉजी वाइज क्या हो रहा है सोशियो इकोनॉमिक सिचुएशंस किस तरह की हैं किसी इकोनॉमी में पॉलिटिकल एंड लीगल माहौल कैसा है प्लस ओवरऑल कॉम्पिटेटिवनेस किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में वो कैसी है वो भी यहां से आपको पता चल जाता है तो यहां से आपने एक कंपोनेंट उठाया ये भी हार्वर्ड से आया है ये वाला कंपोनेंट जो उठाया वो भी हार्वर्ड से आया है और इसके बाद आपने इन दोनों चीजों का इन्फ्लुएंस एक इनर कॉन्टेक्ट पे दिखाया इनर कॉन्टेक्स में आपने किया क्या शॉर्ट टर्म प्लस लॉन्ग टर्म दोनों को मर्ज कर दिया इस मॉडल में शॉर्ट टर्म प्लस लॉन्ग टर्म मतलब आप देखें यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर की बात हो रही है जो की लॉन्ग टर्म का पार्ट है स्ट्रक्चर की बात हो रही है वो भी लॉन्ग टर्म का पार्ट है लीडरशिप की बात हो रही है वो शॉर्ट टर्म का पार्ट है देन यू हैव टास्क टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस आउटपुट्स ये भी आपके लॉन्ग टर्म का पार्ट है तो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों को मर्ज करके आपने फाइनली एक इनर कॉन्टेक्ट बनाया कि आपने कहा कि सिचुएशनल फैक्टर भी इनको इन्फ्लुएंस करते हैं और जो एचआरएम के फंक्शन है वो भी इनको इन्फ्लुएंस करते हैं ऑन अदर साइड आपने एक जो कंपोनेंट नया एड किया वो कंपोनेंट था बिजनेस के नाम से Now, की स्ट्रैटेजीज होती है बिजनेस का प्रोडक्ट क्या है बिजनेस की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्या है उसका भी कहीं ना कहीं उस पर भी आपके एचआरएम के फंक्शन का काफी इंफ्लुएंस पड़ता है प्लस एक जगह एक चीज आपने और क्या दिखाई आपने ये भी दिखाया कि आपका जो एचआरएम का है, जो देखा यहां पर कहीं ना कहीं आपके रोल और डेफिनेशंस जो होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में वो भी एक न, कहीं ना कहीं कही आपको राइज होते हुए नजर आएंगे तो इस तरह से ये मॉडल कही कहीं ना कहीं हार्वर्ड से ही काफी इंस्पायर्ड था इसमें बिजनेस स्ट्रेटेजिक कॉन्टेक्स वाला जो पूरा साइड सेक्शन है ये वाला इसको उन्होंने कहीं कही ना कहीं नया इंट्रोड्यूस किया था तो इस तरह से आप एक चीज देख सकते हैं कि ऑब्वियसली ये मॉडल हार्वर्ड के मॉडल से काफी कॉम्प्रिहेंसिव नजर आ रहा है लेकिन यहां पर एक दो चीज मैं आपको और बता देता हूं मॉडल चाहे जितना भी कॉम्प्रिहेंसिव आपको नजर आ रहा है थ्योरिटिकली लेकिन आप प्रैक्टिकली अगर इसको इंप्लीमेंट करने जाएंगे तो ये काफी कॉम्प्लेक्स है ये इसलिए कॉम्प्लेक्स है क्योंकि इसमें ऐसे बहुत सारे वेरिएबल हैं जिस पर आपका कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं है जैसे सिचुएशनल फैक्टर आपके बिल्कुल कंट्रोल में नहीं है बिजनेस के स्ट्रेटजी भी टाइम टाइम टू वैरी करते रहते हैं तो उस सिचुएशन में मैं कहूंगा कि ये मॉडल हो सकता है बहुत कॉम्प्रिहेंसिव जरूर है बट उतना स्टेबल लेट्स टॉक अबाउट द पी मॉडल जो फोर्थ मॉडल है एच मॉडल में फाइव पी मॉडल क्या होता है उसके बारे में बात सो दिस मॉडल वॉज डेवलप्ड इन नाइनटीन नाइनटी टू बाई रैंडल स्क्यूलर जो कि एक स्कॉलर थे उन्होंने काफी इस मेहनत करके इस मॉडल को बनाया दैट वाज कॉल्ड एज मॉडल इस मॉडल की जो सबसे अच्छी बात यह थी कि इस मॉडल में दो चीजें इंटीग्रेट की गई थी जो पहले के किसी मॉडल में नहीं थी एक तो जो एचआरएम का पर्सपेक्टिव था वो ग्लोबली देखा गया जो पहले अभी तक किसी भी मॉडल में ग्लोबल लेवल पे कोई फ्रेमवर्क नहीं बनाया गया था प्लस आपने एच को एक स्ट्रेटेजिक फंक्शन की तरह देखा रदर देन ए मैनेजमेंट फंक्शन ये भी एक चीज काफी इंपॉर्टेंट ऑब्वियसली चूंकि मॉडल का नाम ही फाइव पीज है इसका मतलब पांच पी तो होंगे ही तो वो पांच पी क्या क्या थे पर्पस प्रिंसिपल प्रोसेस पीपल परफॉर्मेंस इन पांच चीजों पर आपकी सारे एचआरएम के फंक्शंस टिके हुए एक और चीज जो उन्होंने ये बताई वो ये बताया कि आप कि ये जो पांचों पीज हैं वो कहीं ना कहीं उनको अलाइन करना और उनको बैलेंस करना यही आपका काम है यही आपका रोल है चाहे एज ए डिपार्टमेंट की बात करूं चाहे बट इम्पोर्टेंट तो ये, ये पांचों पी को बैलेंस करना इतना आसान नहीं है दे आर लाइक फाइव डिफरेंट पिलर्स नीड टू बी इंटीग्रेटेड इन टू वन फ्रेमवर्क लेट्स टॉक अबाउट ऑल दीज फाइव पीज नाउ तो द फर्स्ट थिंग इज द पर्पस पर्पस एज दर्गेनाइजेशन मिशन विजन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव

सेकेंड पी इज योर प्रिंसिपल्स प्रिंसिपल्स मीन्स द प्रोटोकॉल्स कि आपका काम किस तरीके से होगा किस आइडियोलॉजी पे आप काम करते हैं उस पर्पस को पूरा करने के लिए आप किस तरह के रूल्स बनाते हैं किस तरह के रेगुलेशंस बनाते हैं तो यह भी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज किसी भी काम को करने के बहुत तरीके हो सकते हैं बट वॉट इज द राइट वे दैट नीड्स टू बी डिफाइंड बिकॉज उस राइट right वे को ही आपके इंप्लॉइज समझेंगे जो आप उनको बताएंगे अगर आप उनको चोरी करना बताएंगे तो वो चोरी करने लग जाएंगे अगर आप उनको सिखाएंगे कि नहीं हमें इंटीग्रिटी के तरीके से काम करना है हमें अपनी आइडियोलॉजी और फिलोसफीज पे काम करना है तो वो उसी तरीके से काम करेंगे एंड दैट इज वाई प्रिंसिपल आर रियली इंपॉर्टेंट बेस्ट टॉक अबाउट द थर्ड थिंग ऑब्वियसली इसके बाद आप क्या करोगे आप प्रोसेस बनाओगे बिकॉज प्रोसेस क्यों बनाओगे क्योंकि प्रिंसिपल्स को एग्जीक्यूट करने के लिए प्रोसेस की जरूरत पड़ती है रूल्स को इंप्लीमेंट करने के लिए प्रोसेस की जरूरत पड़ती है किसी भी चीज में अगर प्रोसेस नहीं होगा तो पूरा क्रिएट हो जाएगा तो उस सिचुएशन में आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है एक सिस्टम बनाना बनाना आपके लिए आर्किटेक्चर इंपॉर्टेंट है मेथड ऑफ ऑपरेशंस बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये वो चीजें हैं जो आपके एग्जीक्यूशन को परफेक्ट बनाती है अगर आप बहुत अच्छा प्लानिंग करते हैं लेकिन आपका एग्जीक्यूशन पुअर है क्यों पुअर है बिकॉज आपने ऑपरेशन का फ्लो नहीं बनाया और ऑपरेशंस के फ्लो में ट्रांसपेरेंसी नहीं रखा या कई बार ऐसा भी होता है कि हम हमने भी सही बनाया, हमने हमने प्रोसेस भी 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 सही सही बनाया प्रिंसिपल्स रखे थे बट उसके बावजूद ऑर्गेनाइजेशन ग्रो नहीं कर रही बिकॉज यू हैव नॉट सिलेक्टेड द राइट पीपल एंड दैट इज द रीजन व्हाई द नेक्स्ट थिंग इज पीपल पीपल क्यों क्योंकि आखिरकार कोई भी टास्क कौन परफॉर्म करेगा पीपल अगर लोगों की नीयत में चोरी है यर टू सपोर्ट योर ऑर्गेनाइजेशन आप कितने भी अच्छे प्रोसेस बना लें प्रिंसिपल बना लें आपकी ऑर्गेनाइजेशन कामयाब नहीं हो सकती एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज सक्सेसफुल बिकॉज ऑफ द पीपल एंड दैट इज वाई

इट इज अबाउट द पीपल हु लिव इन हिस्टर तो इसका क्या मतलब है इसका मतलब ये है कि ये दीवालों में कुछ नहीं है दिस ये जो रेड वॉल्स हैं ये ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाते उस जगह पर जो लोग आते हैं जो पढ़ते हैं जो लोग मेहनत करते हैं वो लोग उस ऑर्गेनाइजेशन को बनाते हैं एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट फाइनली आपको क्या चाहिए आपको परफॉर्मेंस चाहिए परफॉर्मेंस का मतलब है आपको रिजल्ट चाहिए और रिजल्ट आएगा कैसे आएगा अगर आपका इनपुट सही है तो आउटपुट भी देखने को मिलेगा टाइम लग सकता है कई बार क्या होता है हम कुछ करते हैं वो सही तरीके से नहीं होता कुछ और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स उसको इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं बट अल्टीमेटली आप उसमें धीरे धीरे करके सक्सीड करते हैं तो इन अगर पांचों पी को आप बैलेंस कर लेंगे तो ये मॉडल आपको एक अच्छा फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है इतना कॉम्प्लेक्स भी नहीं है ऑल अगर मैं इसको देखूं तो ये डायरेक्टली एच के फंक्शंस को डायरेक्टली इंक्लूड नहीं कर रहा लेकिन ये पीपल को इंक्लूड कर रहा है जिसमें सब कुछ आ जाता है आई होप कि आपको ये मॉडल समझ में आ गए होंगे ये किस तरह से काम करते हैं अगर कुछ भी अच्छा लगा हो तो जो हमेशा मैं कहता हूं सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें स्टूडेंट्स के साथ उनको बताएं सो दैट दे कैन ऑल्सो लर्न फ्रॉम इट एंड कैन गेट बेनिफिटेड हम अगले सेशन में फिर मिलेंगे